नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, तो ऐसे चुकी जानकारी में बिके हुए हैं। पहले हमने बहुत कंप्लेंट की है और हमारे को डरा धमका के दबा दिया जाता है जी। कुछ लोग हमारे घर पे गए और उन्होंने हमारे को दबाया कि आप पे कोई ना कोई आरोप लगा के अंदर कर दिया जाएगा, कोई भी आपकी जमानत नहीं करवा सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। डर के वजह से, SHO की डर की वजह से कोई निकल नहीं रहा है वहाँ पे। महिला जो निकलती है ना, उनके गलों से चैने खींच ली जाती है, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वे सब जानते हैं। मतलब यही है कि डर डर के जीना पड़ता है वहाँ पे, ये माहौल है। अब समझ सकते हो, जब डर डर के इंसान को जीना पड़े तो क्या करेगा इंसान, रोडों पे ही आएगा ना, उसके अलावा और कहाँ जाएगा। जब कहते हैं ना रक्षक की भक्षक बन जाता है, तो क्या करता है इंसान, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं। ना तो महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा है, नहीं गुजर आदमियों के लिए कोई सुरक्षा है। वहाँ पे खाली पैसे की लूट खसोट हो रही है। DCP को, SCP को, कमिश्नर को, सबको दिया गया है, लेकिन कोई सुनने का राजी नहीं है। वो कहता है राजू बस तो है, वो कहता है कि मेरी ऊपर तकले पहुंच है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्कार, मेरा नाम है नूरजो और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पहले इनका कि मुद्दा क्या है। मुद्दा हम लोग का यह है कि राजू बस्त जो है प्रशांत विहार थाने का, वो जो है गांजा, अफीम, दारू, जुआ लड़कियों जो जाती है उनसे जो है छीना छीनी करवाता है, वो चैन छिनवाता है, उनसे हफ्ता लेता है, महीना लेता है, गांजा वालों से महीना लेता है, दारू वालों से महीना लेता है, सट्टा वालों से महीना लेता है। उसको एक बार नहीं 100 बार उसको कंप्लेन दिया गया कि भाई ये सब बंद कर दिया जाए, अच्छा काम कर। लेकिन 2 सालों से उसने ऐसा ही काम करता है और जो भी SHO आता है सबको वो सिखा के जाता है कि तुम भी ऐसा ही काम करेगा। अगर ये समाज का लोग जाते हैं उनसे बोलने के लिए कि आप जो है उसको बंद किया जाए, तो समाज को आदमी को क्या करता है, उसको बंद करके कहता है कि तेरे को बंद कर दूंगा, चाकू रख के केस बना दूंगा, दारू रख के तुम्हें बंद कर दूंगा, तुम्हारे पे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा। गरीब आदमी जो डर जाते हैं, मजदूर का आदमी बोलते हैं, मजदूर के आदमी को जो है रात को उसको घर से जाकर उठा लेता है, उठा के लेकर थाने में बंद कर देता है, कहता है कि तू लाके मेरे 50,000 रुपया दे, 1,00,000 रुपया दे। ये आदमी नहीं देते हैं तो उनको मारता है। आपने आगे ऐसे अपील नहीं करी है इसके ऊपर? आगे अपील नहीं करी है क्या, जो आगे ये रुकवाया जाए? आगे हमने DCP को, SCP को, कमिश्नर को, सबको दिया गया है, लेकिन कोई सुनने का राजी नहीं है। वो कहता है राजू बस तो है, वो कहता है कि मेरी ऊपर तकले पहुँच है, उसने नाम लेता है कि मेरी ऊपर तकले पहुँचे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको बर्खास्त किया जाए, ऐसा चोर अधिकारी को बर्खास्त किया जाए कि समाज का लोग जो है बेटी बहन जनता अच्छे काम करें, अच्छे रहे। तो अब वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब अभी तक माहौल में सुधार नहीं आया है? मतलब यही है कि डर डर के जीना पड़ता है वहाँ पे, ये माहौल है। अब समझ सकते हो, जब डर डर के इंसान को जीना पड़े तो क्या करेगा इंसान, रोडों पे ही आएगा ना, इसके अलावा और कहाँ जाएगा। जब कहते हैं ना रक्षक की भक्षक बन जाता है, तो क्या करता है इंसान, उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं। कब से चल रहा है वहाँ पर ये? 2016 से चल रहा है, 2016 से चल रहा है, और अब जाके आप खड़े हो रहे हैं। पहले आपने नहीं कहा? बहुत बार हमने पहले भी प्रदर्शन करने की सोची है, लेकिन हमें परमिशन नहीं मिली थी उस टाइम पे। अच्छा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग तो कहेंगे कि जो वो SHO को डिसमिस कर दिया जाए, ताकि आगे कोई और आए तो फिर ना कोई। तो आगे नहीं कार्रवाई करी आपने? नहीं, आगे बहुत कार्रवाई करी, 3 साल से कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई तो बहुत हो रही है। आप लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पे? यही 100-150 बंदे तो है ही। तो इसलिए हम लोग तो कहेंगे कि SHO को डिसमिस कर दे, डिसमिस कर दे। तक जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि SHO को डिसमिस कर दिया जाए, क्या कहेंगे आप इसी को लेके? आप क्या कहेंगे, जो मुद्दा है आपका? ये हमारा ये मुद्दा है जी, थाना प्रशांत विहार को जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अभी तक जो हमारे गांव में नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, तो SHO की
जानकारी में बिके हुए हैं। हम चाहते हैं जी ये जो बिगर वजह हमारे गांव में लोगों की मौत हो रही है ये बंद हो जाएंगी। हम यही चाहते हैं कि पूरा स्टाफ बर्खास्त किया जाए। हम यही चाहते हैं। और ये कब से चल रहा है? कम से कम 15 साल से चल रहा है जी। जो भी एसएचओ आता है इसी हर जितने भी नशे में समर्थन करते हैं सारे। 15 साल से चल रहा है तो आपने पहले नहीं उठाए? पहले हमने बहुत कंप्लेंट की है और हमारे को डरा धमका के दबा दिया जाता है जी। आज हम मजबूरी में यहाँ पे आए हैं। आज 3 महीने पहले भी हमने एक कंप्लेंट दी थी, उसके बाद में भी कुछ लोग हमारे घर पे गए और उन्होंने हमारे को दबाया कि आप पे कोई ना कोई आरोप लगा के अंदर कर दिया जाएगा, कोई भी आपकी जमानत नहीं करवा सकता। अभी वहाँ पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जा रही है कि नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुले आम नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, दारू स्मैक्स सब बिक रहे हैं जी, खुले आम सट्टा भी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। गांव के अंदर ऐसा सचो की कोई एंट्री नहीं होती। तो ये इतने सालों से चल रहा है लेकिन अगर अभी भी नहीं रोका गया तो फिर क्या होगा? सचो छुट्टी लेके चला गया और वहाँ पे मौजूद हालत में ऐसा सचो नहीं है और सट्टा भी ऐसे ही चल रहा है जैसे दारू और अफीम गांजे बिक रहे थे ऐसे। कम से कम 14 अगर कार्रवाई नहीं की गई, अभी तो हम थोड़े ही आदमी आए हैं, अगली बार हम जब आएंगे तो पूरे हजारों की संख्या में आएंगे और इसके खिलाफ, इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये बर्खास्त नहीं होगा जब तक हम अपने धरना पे बैठेंगे। अभी वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल है लोग बाग, वहाँ के लोग बाग बड़ी भयभीत से डरे हुए हैं। डर के वजह से, एसएचओ की डर की वजह से कोई निकल नहीं रहा है वहाँ पे। जो भी वाजी का कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करता है उसको अपने चैम्बर में बुलाता है और उसकी पिटाई करता है, उसको धमकाता है कि भाई। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे सुरक्षा नहीं है? ना तो महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा है, नहीं गुजर आदमियों के लिए कोई सुरक्षा है। वहाँ पे खाली पैसे की लूट खसोट हो रही है और कुछ नहीं है इसमें। एक धंधा वो कराते रहते हैं वहाँ पे। जो भी कोई मतलब शिकायत करता है गांव का, कोई भी आदमी जाता है कि साहब ये फलानी जगह, यहाँ पे फलानी जगह लूट खसोट है। महिला जो निकलती है ना उनके गलों से चैने खींच ली जाती हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वे सब जानते हैं चोर कौन है। आगे आपने लिखित में कुछ नहीं दिया वहाँ पे? लिखित में हमने प्रशांत बिहार को भी दे रखा है, DCP कमिश्नर इनको सबको दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कंप्लेंटरों को बुला के वहीं पीटना शुरू कर देते हैं, वहीं लिखवा लेते हैं, जो भी लिखवा ऐसा मान लो ये ऐसा चुने मान वो कर रखा है, चाहे बुजुर्ग जाओ चाहे कोई जाए उनके साथ मार। आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इतने साल से चल रहा है, अगर इसके बाद भी नहीं कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे? नहीं होगा तो प्रधानमंत्री का घिराव होगा, गृह मंत्री का घिराव होगा और ज्यादा संख्या में होंगे। मानो फिर अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे, आज हम अकेले आगे खड़े हुए हैं, फिर अपने बच्चों सहित यहाँ आगे खड़े होंगे। कितने लोग आए हैं? हम करीबन 150-125 आदमी। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग पोस्टर लेके भी खड़े हैं कि जो देश की खुशहाली का रास्ता खेतों खिलानों से होकर गुजरता है और दलित मजदूर किसान पार्टी, गांव राजपुरा में सट्टा, नकली शराब, गांजा, चरस, नशीले कैप्सूल और थाना प्रशांत विहार, SHO राजीव वात्सव और बीट अफसर पैसे खाकर धंधा करवा रहे हैं, इसके विरोध में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनहित आवाज़।